बाकी यहाँ पे ये देख लो कौन से बाइक लगे हैं, ये हमारे अमीन भाई की बाइक है जो हमने लास्ट टाइम इसको फुल बॉडी जो रैप है भाई वो किया था, ये चेक कर रहे हो। अगर जो आपके जो हमारे ऑडियंस है उनको क्या क्या सजेस्ट करोगे? ये सजेशन करना चाहता हूँ कि जिसको भी रैप करवाना है रोमी भैया के पास आके अपना पहली बार एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि रैप कैसा होता है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो जो हमारे ईशान भाई वे भी अपना नाम मेरा यहाँ पर लिख रहा है अपने यूट्यूब का नाम ईशान भगत, तो जाके इनको भी जाके सब्सक्राइब कर दो जाके। तो हमारे जो हैदर भाई अभी यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हैं भाई देख रहे हो, तो हमारे लिए भाई सभी बराबर हैं भाई, कोई जम्मू के मोटर ब्लॉगर हो या हमारे जो सब्सक्राइबर हो भाई सभी से हमारा दिल से लव है भाई। ये देख लो हमारे हाई कर दो भाई, अभी इनको साथ में लेके आए तो भाई ये बोल रहे थे कि जो हमारे बॉल अच्छा काम करते हैं अपना बुलेट लेके आए हैं वो भी, तो भाई डिलीवर करवाने के लिए आए हैं तो भी शान भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं। तो भाई ये देखो तो ये सब्सक्राइबर है आपका मुझे लेके आया बोला कि करवाना है पीवीएफ तो यहीं से करवाना है कहीं से करवाना नहीं है। तो भाई हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो गाइस मैं आपको अपना रोमी मोबाइल भाई, सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप बढ़िया होंगे तो बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस आज की जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं भाई करने वाले आर एस 200 के ऊपर जो फुल बॉडी रैप है भाई वो करने वाले हैं। तो भाई ये चेक कर लो देख रहे हो, तो भाई बाइक का भी ये देख लो एकदम पूरी स्टॉक बाइक है, इसके ऊपर जो हम रैप करने वाले हैं बोले तो भाई इसके ऊपर जो रैप करने वाला है एकदम बिल्कुल तबाही वाला सीन करने वाले हैं इसके ऊपर। तो ये सामने वाली जो लुक है ये फ्रंट वाली लुक है इसकी आगे से कुछ इस तरह से दिख रही है। तो क्या सर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट जाके भाई जो रैपिंग वाला जो वर्क है भाई वो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो सीट वगैरह सारी यहाँ भी खोल रहे हैं फिलहाल अंकुश भाई, यहाँ पे देख रहे हो फुल मेहनत है यहाँ पे अपना जो वर्क है भाई स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल बाइक है, तो इसकी जो लुक कुछ इस तरह से लग रही है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो हमारे भाई, ये भाई पूरी जो वीडियो का पूरा रिव्यू ये बंदा लेता है भाई, पूरा काम स्टार्ट करने से पहले बोल देता है भैया अब क्या करने वाले हो। तो जो बस अब ये चेक करो यहाँ पे देख रहे हो इसके जो स्टिकर वगैरह सारे हमने इसके उतार दिए हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे ये निशान वगैरह लगा हुआ है, तो भाई ये भी इसके स्टिकर सारे ये भी हमने उतार दिए हैं भाई। वैसे भी इसके जैसे ये वाला ग्राफिक्स है आर एस 200 ये भी स्टॉक बाइक के जितने स्टिकर हैं सारे ये भी उतार देंगे उसके बाद इसके ऊपर जो रैप वाला वर्क है फिर वो स्टार्ट होएगा भाई। वैसे इसके जो आर एस 200 के जो स्टिकर थे ये भी सारे उतार दिए हमने, जो उसके जो बैक वाले स्टिकर थे यहाँ भी देख रहे हो, तो भाई ये भी सारे स्टिकर हमने इसके उतार दिए हैं। जो इंजन वाली वैली वो भी अंकुश भाई यहाँ पे खोल रहे हैं, तो भाई फिलहाल इसके जो बॉडी जितने भी सारे पैनल्स भाई खोल करके सारा जो रैप वाला काम है भाई वो स्टार्ट होएगा। तो वैसे अभी यहाँ पे देख लो जो इसके जो बैक वाले पैनल यहाँ पे जो हमारा नाटो ग्रे कलर का जो रैप है भाई वो ये वो लगना स्टार्ट हो चुका है। बाकी यहाँ पे इसके जो टॉप वाले जैसे ये वाली फिनिशिंग हमने पूरा इसको करना स्टार्ट कर दिया है, अभी इसके जो नीचे वाले जो बॉडी पार्ट है भाई ये वाले फिलहाल इसका अभी चल रहा है। नीचे वाले पैनल भाई यहाँ पे देख रहे हो भाई ये पूरे फुल तरीके से जो रैप है भाई कर दिए हुए हैं, तो बाकी ये चेक कर लो गाइस इसके बैक वाली लुक कुछ इस तरह से लग रही है यहाँ पे देख रहे हो, तो भाई ये देखो मतलब क्या चीज़ लग रही है खतरनाक। तो गाइस इसके जो टैंक है टैंक के ऊपर भी हमने जो रैप है भाई ये पूरा कम्प्लीट कर दिया हुआ, टैंक चेक करो देख रहे हो गाइस, गाइस टैंक पर पूरा ये वन पीस लगा हुआ इसके ऊपर पूरा ये इसकी लुक ना ये चेक करो भाई। बाकी यहाँ पे ये देख लो कौन से बाइक लगे हैं, ये हमारे अमीन भाई की बाइक है जो हमने लास्ट टाइम इसको फुल बॉडी जो रैप है भाई वो किया था, ये चेक कर रहे हो, तो बाकी ये लुक चेक कर लो। तो बाकी अपना जो आर एस तो मतलब क्या ही खतरनाक है भाई वन एंड जम्मू उसके ऊपर जो रैप है भाई वो होने वाला है, बाकी इसे ये लुक चेक करो देख रहे हो। तो ये अपनी शॉप है यहाँ पे रोमी मॉडिफायर कुछ भाई खड़े हैं यहाँ पे, तो बाकी ये चेक कर लो देख रहे हो। वैसे इसका जो आगे वाला जो अलॉय व्हील देख रहे हो यहाँ पे अंकुश भाई ने खोल दिया हुआ है, तो वैसे अभी फिलहाल इसका जो रैप है मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि आगे वाला जो जैसे जो ये रेड रेड पार्ट दिख रहा है ना भाई इसको ब्लैक करना है, तो जैसे ये आगे वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको नाटो ग्रे कलर का रैप आएगा तो मड़गाड़ आगे वाला अलॉय को करना भाई ये न्योन कलर में पेंट, तो फिलहाल इसको ये डिस्क वगैरह सारे खोल दिए भाई ये चेक करो देख लो भाई, ये दिखने में काम ऐसा लगता है कि बड़ा आसान काम भाई बड़ा मुश्किल वाला काम होता है भाई ये करने वाला। वैसे अभी हम आए हैं कुछ इस तरह की जगह पे, तो गए अभी यहाँ पे जो हमने अलाइवल को जो पेंट के लिए दिया था भाई वो भाई बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा जो पेंट है भाई थोड़ा सा गीला है भाई उसको थोड़ा सा हम सुखा रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है अलाइवल तो इसको ये पेंट वगैरह पूरा कर दिया हुआ है, तो गए ये इसकी लुक ना ये चेक कर लो देख रहे हो। तो गाइस अभी थोड़ी बड़ा धूप वगैरह यहाँ पड़ रही है, तो धूप पड़ने से क्या होगा जो इसकी जो सोल्डिंग वगैरह सारी यहाँ पे पूरी सूख जाएगी, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर जो लुक निकलेगी ना उसके बाद वो तगड़ी वाली होगी। फिलहाल इसके ऊपर जो हमने आई थिंक मैंने सोचा हुआ है इसके जो साइडों पर इसके ऊपर थोड़ा व्हील ड्राइव है वो भी लगा देंगे थोड़ी सी इसकी लुक। ये जो ये वाली प्लेट है भाई ये भी डालने वाले हैं, तो बाकी इसकी लुक चेक करो देख रहे हो हमारे दोनों भाई यहाँ नज़र आ रहे हैं देख रहे हो, तो पीछे खड़े हमारे भाई के ओनर भाई ये
तो भाई भाई कैसे पता चला कि रोमी भाई के पास रैप करवाना है? भाई भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बड़े पहले से जानता था, जब से आप उधर कुंदन मोटर्स पे काम कर रहे थे, फिर मुझे पता चला आपने अलग दुकान खोली है, मॉडिफिकेशन, आप अच्छी बाइक का रैप करते थे, इसलिए आपके पास आया। तो भैया आए कहाँ से भाई आप? मैं भी पुंछ से आया हूँ, मतलब स्पेशल बाइक के लिए रैप करवाने के लिए, स्पेशल रैप करवाने के लिए आया हूँ। अगर जो आपके जो हमारे ऑडियंस है उनको क्या क्या सजेस्ट करोगे? ये सजेशन करना चाहता हूँ कि जिसको भी रैप करवाना है रोमी भैया के पास आके अपना पहली बार एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि रैप कैसा होता है। ये रैप है या कलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, और जरा सा भी जो आप कलर कराना चाहते हो वही मिलेंगे, और जो ग्राफिक्स करवाना चाहते हो वही मिलेंगे आपको, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नजर नहीं आएगा। रैप होगा इस पे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। तो भाई जब सुबह आप आए थे आपने बोला था कि, तो भाई जब आप सुबह आए थे तो आपसे सडनली मेरी बात हुई है सुबह, तो मतलब कोई एक दिन में कोई आपको कोई बाइक रैप करके दे सकता हूँ ना? ना ऐसे हम, मेरे कजन ने बाइक लगाई है कुंदन मोटर्स पे, तीसरा दिन है उसकी बाइक का, अभी से आधा रैप हुआ है। मैंने उनको सुबह बोला मुझे कल घर जाना, मुझे थोड़ा काम है, उन्होंने बोला मैं 8 बजे तक आपको बाइक फ्री करके दे दूंगा, और उन्होंने बोला 8 बजे आप आना, मैं पहले आ गया थोड़ा, तो 8 बजे तक ये भैया दे भी देंगे, टाइम पे पक्के, जिस टाइम का बोलेंगे उसी टाइम पे ये बाइक दे देंगे। तो गाइस अभी आप लीव नहीं करोगे सुबह? जो भाई से मेरी मतलब सुबह अभी मैं 12 बजे आया था सुबह, मतलब अभी काफी मतलब 2-3 दिन से बात हो रही थी भाई से, तो भाई बोले तो मैं भैया अभी आ चुका रजौरी से आना। तो गाइस पूरा डिस्कशन जो बात था इसी टॉपिक के ऊपर हो रहा था, तो भाई ने बोला था यार प्लीज भैया शाम तक मेरे को बाइक की डिलीवरी है भाई दे देना। तो गाइस मैंने सभी बाइकों को मैंने छोड़ दिया, तो बाइक का जो मतलब जो एक डिमांड की थी भाई, मैं उसके अकॉर्डिंगली सारी बाइकों जो बाइक का रैप हमने कर दिया है। अभी जो हमारा सदरिस का जो काम है वो वाला काम चल रहा है, बाकी बाइक की जो लुक बनेगी ना भाई वानी नहीं जम्मू, उसके ऊपर जो रैप वाला वर्क है भाई वो किया हुआ, बाकी गाइस उसके ऊपर जो पेंट वाला प्रोसेस है वो तो कतई जहर है। तो बाकी अपने भाई को सुन तो लिया भाई ने क्या बोला। तो गाइस इसके जो इंजन वाले जो बेली वाले पार्ट है भाई देख रहे हो दोनों का रैप हो चुका है, तो कुछ भाई दिखा दो यार। तो गाइस अब ये दोनों जो पैनल से दोनों के ऊपर रैप वगैरह हो चुका है, तो नॉट ओवर की लुक भाई आप देख सकते हो कि जो इसकी लुक है ना भाई अपने आप ही मतलब एक रोप है भाई इसमें। तो गाइस अब जैसे जैसे बॉडी का जो पार्ट जैसे जैसे इसमें फिट वगैरह होते जाएंगे, तो वैसे वैसे इसके लुक पर खतरनाक होते जाएंगे। चलो अंकुश भाई फिट करो बैठे इसके जाकर, तो बाकी इसके लुक यहाँ पे देख लो, तो मतलब नेक्स्ट लेवल जो उसका रैप है बाकी वो लग रहा है। बाकी अंकुश भाई का काम तो आप जानते ही हो इसकी लुक कैसे लगाती है, बाकी साइड से इसकी लुक ना कुछ इस तरह से आ रही है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी फिलहाल इसके ऊपर ग्राफिक्स वाला जो काम है वो भी करना, बाकी रैप वाला हमारा काम खत्म हो चुका है, अब इसके ऊपर जो काम वाला होगा वो भी ग्राफिक्स वाला काम होगा। गैस ये क्रो व्हील के ऊपर जो हमारे प्लेटिंग वाला सिस्टम था पूरा लग चुका है, तो गैस इसके ऊपर जो अभी जो ग्राफिक्स वगैरह किए हैं फास्ट एज फक लगा है इसके ऊपर, तो ये व्हील ड्राइव भी यहाँ पर लग चुका है। तो गैस इसके अपोजिट वाली साइड है वो भी चेक करते हैं आपको, तो ये चेक करो देख रहे हो, तो इस तरह से इसकी जो लुक है भाई वो लग रही है। चलो वैसे अभी टाइम वेस्ट नहीं करते इसको फिट करते हैं। अभी देखो बाहर आते हैं बिल्कुल, और रात का भी मेरे ख्याल में कोई 9:30-9 बजे का टाइम हो चुका था, अभी इसको बड़ा फिट करना है, अभी काम बड़ा लगेगा। बाकी ये लुक चेक करो उसकी, अभी फिलहाल इसके कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं लगे हुए, बाकी लुक चेक कर लो भाई इसकी। तो गाइस अभी जो हमारा मेन काम करना था भाई वो पूरा कर दिया, तो गाइस इसका जो बॉडी को जो रैप करना था भाई कंप्लीट हो चुकी है बाइक, तो गाइस ये देख रहे हो, देख रहे हो गाइस। तो गाइस इसको हमने पूरा फुल बॉडी रैप भाई पूरा कर दिया हुआ है, तो भाई इसकी लुक ये चेक करो भाई क्या लग रही है, मतलब खतरनाक गाइस। ऐसी बाइक हमारे J&K में भाई हो ही नहीं सकता, और ना भाई इस तरह को और ना कोई इस लेवल का भाई वो जो काम है कोई कर सकता है। भैया क्या बोलते हो भाई, बहुत अच्छी बाइक आपने रैप की है, ऐसा रैप कोई नहीं कर सकता। मैंने सुबह क्या लगता है जो उस बाइक की रैप की है भाई, भाई उस बारे में बताओ कुछ। भाई बाइक का रैप बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा रैप आपने किया है, मुझे इतना बिलीव नहीं था कि इतना अच्छा रैप होगा, और एक ही दिन में, एक ही दिन में वो भी 6-7 घंटे में रैप, अनबिलीवेबल। सो गाइस अभी यहाँ पे चेक करो इसकी लुक आगे से कुछ इस तरह से लग रही है, यहाँ पे देख रहे हो भाई जो उसका फुल नाटोरी कलर का रैप किया, और साइडों में इसके जो ग्राफिक्स वगैरह पूरे कही हुए, अलाइबल पूरे इसके पेंट वगैरह पूरे कही, यहाँ पे हमने लाइटें शाइटें भी लगाई हुई है, एयरिंग लाइटें वगैरह वो भी आपको चेक करवाते हैं फिलहाल। तो फिलहाल इसके जो फाइनल लुक का जो मेन जो हमारा प्रोसेस था वो था इसको जो नाटोरी करना रैप करना था, और प्लस इसके ऊपर जो व्हील वाला रैप वगैरह पूरा किए हुए। तो वैसे इसके जो बैक वाले जो ये वाले जो व्हील प्लेट है भाई इसमें डाल दिए, बाकी इसमें पूरी लुक ओवरऑल पूरी उसको सक्सेस तरीके से इसको कर दिया हुआ है। तो बाकी यहाँ पे इसके जो बैक वाले लुक है यहाँ पे ये चेक करो देख रहे हो, और क्या खतरनाक लुक आ रही है भाई। बाकी मेन चीज़ है भाई जो कलर का जो नाटोरी का जो इसकी लुक है ना भाई वो तो अपने आप ही एक दिन मतलब नेक्स्ट लेवल है। बाकी यहाँ पे साइड वाली लुक है कुछ इस तरह से लग रही है, यहाँ पे ये देख रहे हो, तो वो फिलहाल यहाँ पे इसके सोच वगैरह यहाँ पे लग चुके हैं, तो बाकी इसको वो भी फंक्शन हमारा सारा चला के दिखाते हैं आपको। तो टैंक के ऊपर जो डिज़ाइन है तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ हमने RS के ऊपर, ये चुक कर
कि गैस इसके जो भाई अपने जो यहाँ पे इसके मोड़ वगैरह जो लाइटों के वो सेट वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो इसकी जो आगे वाले जो रिंग लाइट है वो डाली हुई है, तो बाकी इसके आगे वाले जो हेडलाइट है इसमें मल्टी कलर का जो लाइट है इसमें वो हमने इंस्टॉल करी हुई है, तो साइड की इसमें इंडिकेटर जो पूरा 1000 लाइट वगैरह वो भी डाला हुआ है। तो गैस जैसे इसमें जैसे ये बैक वाले जैसे लाइट है इसमें क्या होता है, यहाँ से देखो ये देखो इसके मोड है ना वो पूरे चेंज हो जाएंगे इंडिकेटर के, कुछ इसके इस तरह से चलेंगे इसके जो इंडिकेटर है। तो बाकी आगे से जो इसकी लाइट है इसके ऊपर सेटअप कर दिया गाइस, इसमें ब्लिंकर वाले जो इसमें जो जो इसमें वर्क है वो भी है। तो भाई मेरे ख्याल में इसकी जो एक लाइट है ना भाई शायद पानी पड़ने से वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो बाकी वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। फिर आगे से इसकी जो लाइट देखा एक वाली रिंग लगा रेड वाला और ये वाला लगाया वाइट वाला, आगे से ग्राफिक्स की जो लुक है कुछ इसकी इस तरह से आ रही है। तो बाकी ये चेक कर लो भाई, तो बाकी यहाँ भी ये चेक कर लो भाई, ये चेक करो देख लो भाई। तो बाकी भाई फाइनल इसकी लुक चेक कर लो, हमारी जो बाइक है भाई पूरी राय भरा हो चुकी है, तो इसके जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से लग रही है। बाकी यही चेक कर लो देख रहे गाइस, हेलो नेक्स्ट लेवल इसका जो वर्क है ना भाई वो हमने किया हुआ है। मेन जो हमारा प्रोसेस था भाई इसके ऊपर नाडोरे कलर का रैप करना और नियॉन कलर का जो इसका पूरा टचअप था भाई वो इसमें पूरा किया हुआ है। बाकी ये लाइटें शाइटें का पूरा प्रोसेस तो ये भी देख लो, तो ये तो भाई ने पहले से किसी और से करवाया था। तो हमारा जो मेन वर्क था भाई जैसे पिछ वाले अलॉय व्हील में इसमें जो जो व्हील प्लेट पड़ती है इसमें वो डाला हुआ, आगे वाला अलॉय व्हील है ये पूरा पेंट किया हुआ है। तो इसके साथ जो फुल बॉडी रैप नाडोगरे की हुआ है, ग्राफिक्स वाला पूरा काम है पूरा वो किया हुआ है। तो अब इसके जो सिनेमैटिक है गाइस अभी बन जाएगी। मेरे दम बसी मोर से लेकर इकार बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार अखड़ो करता अखा दा दिला उत्ते करे कब जे आओ पोड़ वांगू जदा मुंद टुकी अखड़े लोका दा दिए वे पिंगे बोए घूमते आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, स्वस्थ मस्त रहो, खाते पीते रहो, यूं प्यार बरसाते रहो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अपने न्यू अच्छी सी मॉडिफिकेशन के साथ, तो कीप साइनिंग अप रोमी मॉडिफायर।